हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलेन टोटली फिनिश हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, हमने आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स 2024 करके एक बना दिया है। उसमें पहले चैप्टर का सारा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके पूरा एकदम कंप्लीट चैप्टर है। और आज से अपन क्या करेंगे, उसी चैप्टर यानी पहले चैप्टर विलेन के फर्स्ट पार्ट में जो न्यूमेरिकल होगा देखेंगे, इसको भी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ज्यादा नहीं लंबा खींचेंगे, सभी पार्ट करके एक ऐसे पार्ट में जितने मोललता, मोलरता, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, परासरण दाब, मोल प्रभाज, जितने टाइप के आपके न्यूमेरिकल बनेंगे रसगुल्लों, सबको हम देख लेंगे। ठीक, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 10 चैप्टर पढ़ना है, पहला दूसरा यही, मतलब जो शुरू के 3-4 चैप्टर हैं वही थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि न्यूमेरिकल भी है, उसके बाद तो केवल थ्योरी पढ़ना है। ठीक, इसलिए टेंशन नहीं लेना बबुआ। ठीक, चलिए, तो इसमें जो विलयन चैप्टर का है पहला चैप्टर, भाई अब ठोस अवस्था हटा दिया है तो आपका विलयन पहला चैप्टर बन जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज पर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH को 250 ml विलयन में घोला जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज जानना है तो हमने बताया ना कि आपको थ्योरी वाला भाई वो जो है पार्ट वन, पार्ट टू करके उसको तो देखना ही पड़ेगा। ठीक, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसमें ध्यान देना बच्चों, पहचाना कैसे जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं बिना वजह के। 8 ग्राम कास्टिक सोडा को यानी जिसको घोला जाए विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाए विलायक होता है, दोनों मिलकर विलयन बना लेते हैं। तो कह रहा 8 ग्राम कास्टिक सोडा को, कास्टिक सोडा घोला जा रहा है तो विलेय, और विलेय के भार को हमने किससे दर्शाया था, जो विलेय का भार होता है स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बराबर दे दिया है बच्चों 8 ग्राम। ठीक, 8 ग्राम NaOH। अब देखिए, इसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे, क्या है NaOH है, कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा का हम अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं, जो भी किसी भी यौगिक में ठीक उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके परमाणु भारों का योग ही क्या कहलाता है, अणुभार। तो सोडियम कितना होता है बच्चों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 होता है, तो 23 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 परमाणु भार, हाइड्रोजन 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, 3, 9, 1, 10 यानी 40 हो जाएगा। ठीक, तो अणु भार निकालना पड़ेगा हमेशा, ये विलेय का भार है और ये विलेय का अणु भार है, स्मॉल डब्ल्यू का मान मिल गया और एम का मान मिल गया। अब कह रहा है कि 250 ml विलयन में, विलयन यानी क्या है, यहां से ml है तो ml किस में होता है भाई, आयतन का मात्रक ही तो होता है, यानी आयतन को हम ml में या लीटर में नापते हैं, तो ये दिया है बच्चों किसका मान, ये आपका दे रखा है v का मान। ठीक, जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो दे रखा है कितना, 250 ml। तो अब कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, फार्मूला होता है मोलरता, इसको m से ही दर्शाते हैं, मोलरता बराबर क्या होता है, भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे यहां से वॉल्यूम आयतन में होता है, मतलब सॉरी ml में होता है, और गुणे का 1000, तो ये आपका मोलरता बराबर बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है ना। आप कितने भी वीक हैं डोंट वरी, टेंशन तो लेना ही नहीं जब तक मोनु सर आपके साथ हैं, और रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे ना, क्योंकि अब की बार की तरह भाई आपको भी एकदम झंडा गाड़ना है, जैसे अब की बार बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हैं, 90 प्लस स्कोर किया, तो आपको भी वो चीज़ करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का मान 8 ग्राम है, ठीक, नीचे इसका अणुभार 40 है, और ये 250 ml है, और ये है भाई साहब कितना, 1000 है ना, तो इसको काट देते हैं, 8 × 5 = 40, ठीक है ना, 8 × 5 = 40 हो गया, और एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 5 कितना, विषम में 100 है ना भाई, 5 × 2 = 10, 20 बार में कट गया, नीचे 25 है। ठीक, तो आपका जो बचता है यहां पर क्या बच गया बच्चों, ये बचा 20/25, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, इसको अगर लिखना चाहेंगे इधर देख लेते हैं, ये मोलरता कितना हो जाएगा, इसको अगर हम काटना चाहेंगे 5 × 20 = 5×25, ठीक ना, या डायरेक्टली कर सकते हैं, 25×8 = 0.8 mole हो जाएगा। ठीक, या इतना मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं, इतना ध्यान देना,
ठीक, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। है कितना आसान, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। ठीक, क्या करेंगे, हमने बताया मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय के अणु भार गुणे विलयन का आयतन और यहां पर गुणे 1000, बस वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपल तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं मोललता पर आधारित न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए मोलरता हो या मोललता हो, बस थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, बाकी तो भाई किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपका फार्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं। उस फार्मूले से अणुभार भी पूछता है तो भाई अणुभार निकाल सकते हैं, विलेय का भार पूछता है वो निकाल सकते हैं, मोललता पूछे वो निकाल सकते हैं, यानी फार्मूला कंप्लीट है। तो भाई कभी कभार ये वैल्यू नहीं दिया रहता इसका मान पूछ लेता है, कभी कभार अणुभार नहीं दिया रहता वो एम का मान पूछ लेता है, तो उसके मतलब क्वेश्चन क्या है भले इधर उधर हो जाए लेकिन आपका फार्मूला तो सेम लगना है। ठीक, तो हम जानते चलते हैं, बस अपना कॉन्सेप्ट वो सीखना है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 30 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला जाता है, तो कह रहा है कि विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें मोललता दिया है बच्चों, तो चलिए कुछ नहीं वही चीज करते हैं, सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं एम, सॉरी ये स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है, विलेय का भार कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 30 ग्राम दिया है, और उसके बाद कह रहा है 200 ग्राम जल में। अब की बार देखिएगा, हमने बताया जिसे घोलते हैं विलेय, जिसमें घोलते हैं विलायक, अब की बार कह रहा है 200 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलायक क्या है, जल क्या है, विलायक, और विलायक का भार बच्चों हमने बताया था कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, तो ये कितना दिया है आपका, ये दिया है 200 ग्राम। आगे कह रहा है कि यहां पर विलयन की मोललता निकालना है, तो भाई एक चीज और करेंगे हम ना, यहां क्या करेंगे, यूरिया का अणुभार भी तो निकालेंगे, उसकी जरूरत है, तो यहां पे यूरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NH2CONH2। ठीक, हमने कई बार बताया अगर नहीं निकाल पाते हैं डोंट वरी, हम बता दे रहे हैं भाई निकालेंगे कैसे, तो देखिएगा एम का मान जब यहां से कैसे निकालेंगे, एम बराबर भाई नाइट्रोजन कितना होता है 14, भाई दो आगे ले जाएंगे, ठीक जैसे दो आगे ले जाएंगे, हाइड्रोजन का एक होता है तो दो कम दो, दो ही लिखिए, प्लस कार्बन कितना होता है 12, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, फिर यहां पर नाइट्रोजन 14 और उसके बाद दो कम दो, ये चीज। अब इसको अपन टोटल ऐड करेंगे तो यहां से 14 दुनिया ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मतलब एक मिनट, दो चार दस चार बीस, और उसके बाद दो ये इधर हो गया, दो एक तीन एक चार, हाँ पाँच मतलब छः हो गया, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा यूरिया का अणुभार। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, यूरिया है, तो यूरिया का अणुभार कितना 60 आ गया है। अब कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको भी एम से ही दर्शाते हैं, मोललता को ही, चाहे हिंदी में मोललता ही लिख दीजिए या फिर आप फार्मूला लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर फार्मूला होता है कि विलेय का भार नीचे विलेय का अणु भार, अब की बार जहां विलयन का आयतन होता है, देखिए वहां पर एमएल इसके पहले दिया था लेकिन यहां पर ग्राम देगा, और हमेशा आपको क्या करना है, यहां विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे और ये हमेशा आपका ग्राम में रहेगा। ठीक, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही केवल फार्मूले में चेंजिंग है बच्चों और कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से मतलब इसकी मदद से हम इसलिए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं ना। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे रसगुल्लों, एम बराबर, ठीक यानी मोलरता बराबर, स्मॉल नहीं लिखना कैपिटल लिखना है, मोलरता बराबर वैल्यू रख दीजिए भाई, इसका मान कितना दिया, विलेय का भार 30 दे दिया है, ठीक, और विलेय का अणुभार हमने 60 निकाल दिया, सॉरी हाँ विलेय का अणुभार 60 है, विलायक का भार कहाँ गया, ये है 200 है, और उसके बाद यहाँ पर 1000 ये फार्मूले वाला है ना, काट दीजिए भाई 30 दुना 60 हो गए, और दो जीरो से दो जीरो ये कट गए, और m बराबर कितना आ गया भाई, ऊपर 10 बचा है और नीचे कितना 4 हो गया, तो 4 25 100 यानी 4 2 8 4 5 20, तो m का जो मान आ गया 2.5 अब मोल प्रति केजी में हो जाएगा, ये मोल प्रति लीटर में नहीं होगा है ना,
भाई इसमें आयतन होता, मोललता होता, तब मतलब मोलरता होता तो उसमें हम मोल प्रति देखिए लीटर लिखे थे, और यहां पर क्या है ग्राम है, ठीक, मोललता है, इसलिए मोल प्रति केजी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश पर आधारित न्यूमेरिकल। मजेदार है, 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चों हर साल के क्वेश्चन पेपर को। अगर आप उठाएंगे तो मोल अंश या मोल प्रभाज पर आधारित क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, भले ही मतलब मोललता मोलरता ना पूछे लेकिन मोल अंश जरूर पूछता है, इस पे परसेंटेज वाला पूछता है वो भी बताएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इसको लगाने का जो तरीका है एकदम सिंपल है, उसको आप सीख लीजिए। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, दो घटक मान लेते हैं ए और बी हैं। ठीक, ऐसे लगाना सेम ऐसे, भले यहां जल है यहां एथिल एल्कोहल है, ए और बी के मान के चलिए आप। ठीक, क्योंकि फार्मूले में NaNb चलता है। देखिए हमने मोल प्रभाज वाला जो आपका पार्ट है ना उसको देखिए परिभाषा बढ़िया तरीके से बताया है। तो इसमें क्या है बच्चों 72 ग्राम दिया है, 72 ग्राम क्या है विलेय का भार है, हमने बताया कितनी बार आपको, तो विलेय का जो भार है रसगुल्लों वो कितना दिया है 72 ग्राम। ठीक, तो 72 ग्राम ये दिया है, ठीक है ना, तो ये 72 ग्राम दिया है, लेकिन क्या है जल है, तो भाई जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है ना, कई बार निकाला है तो भाई बार बार वो चीज बताने की जरूरत है नहीं, तो इसका अणुभार कितना 18 होता है। अब दूसरा घटक हमने बी माना है, यानी बी है क्या, ठीक, यानी ए में अगर लिखना भी चाहते हैं भाई ये जल है और बी में क्या है, कह रहा है कि एथिल एल्कोहल। ठीक, एथिल एल्कोहल तो क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH। ठीक, तो एथिल एल्कोहल हो गया, और इसमें कह रहा है कि भाई विलेय का भार कितना है, तो इसमें विलेय का भार दिया है 92 ग्राम। ठीक है ना, 92 ग्राम दिया है, और इसका अणुभार कितना दिया बच्चों, अणुभार देख लेते हैं, इसमें लिखेंगे ये 92 ग्राम दिया है और उसके बाद अणुभार इसका निकाल लेते हैं, तो C2H5OH अणुभार इसका कितना होता है, देखिए भाई पता है तो ठीक है, नहीं तो हमने बताया ना निकाल लेते हैं भाई, 2 आगे ले जाइए, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 5 और हाइड्रोजन का 1, तो 5 एकम 5 ही हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1, तो ये 24 हो गए, और यहां से देखिए 24 6 30 हो गए और प्लस 16 तो ये 46 हो गया है ना, तो इस तरह से निकाल लिए तो यहां पर कितना हो गया इसका अणुभार 46 आ गया। ठीक, अब सबसे पहले करते क्या है, ये इतना आपको तो करना है डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, अब इसके बाद क्या करना है वो चीज निकालिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, ए के मोलों की संख्या निकालेंगे और बी के मोलों की संख्या, क्योंकि मोल प्रभाज क्या कहता है कि किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है ना, तो इसीलिए बच्चों का हाँ इसमें करना का है, तो यहां पर सबसे पहले हम Na निकालेंगे। ठीक, Na का मतलब क्या है, A के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, तो भाई भार बटे अणुभार इस तरह से हम निकालेंगे, तो यहां से देखिए बच्चों इसमें भार क्या दिया है, 72 दिया है, 72 ग्राम, अणुभार कितना 18, तो यहां कितनी बार में, ये 4 बार में कट गया, तो यहां से ए के मोलों की संख्या निकल कर कितना आ गया, ए के मोलों की संख्या आ गया भाई 4 मोल। इसी तरह हम क्या निकालेंगे Nb, यानी बी के मोलों की संख्या, इसमें भी वही चीज यानी भार बटे अणुभार, तो इसमें क्या दिया है बच्चों, ठीक, इसका भार कितना दिया है 92 ग्राम और उसके बाद अणुभार कितना 46, तो 46 2 92, ठीक है ना, मतलब 2 बार में जाएंगे, तो यहां से Nb यानी B के मोलों की संख्या निकल कर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 2 मोल। ठीक, अब क्या करते हैं इसके बाद क्या करना होता है ध्यान से समझिए, फिर क्या करते हैं हम कुल मोलों मतलब कुल यहां से लिखेंगे कुल घटक के मोलों की संख्या,
कुल घटक के जो मोलों की संख्या, कुल का मतलब क्या है भाई, एन ए एन बी जोड़ दीजिए, कुल घटक में करते क्या है बच्चों, यही चार दो छे, यानी छे हो गए। अब क्या निकालना है, अब निकालना है कह रहा है कि मोल, दोनों का मोल अंश या मोल प्रभाज, तो इतना सबसे पहले आपको करना होगा, नहीं तो सवाल बिल्कुल लगा नहीं सकते। क्या करेंगे, भार अणुभार लिखेंगे ठीक, फिर उसके बाद इसका मतलब इसका मोल निकालेंगे, जो कुछ भी भाई जल के मोलों की संख्या, यहां पे इसको ए मान लिया अपन, तो जल के मोलों की संख्या, यहां पर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। अब क्या करेंगे, हम कह रहा है कि दोनों का मोल, दोनों का यानी इसको ए माने हैं, तो अब निकालेंगे बच्चों यहां पर ए का मोल अंश, ए का मोल अंश लिखिए या फिर मोल प्रभाज। अब फार्मूला कैसे होता है, यानी हमने बताया ना इसको दर्शाते कैसे हैं, दर्शाते हैं एक्स ए से, एक्स ए बराबर क्या लिखेंगे, एन ए, यानी जिसका निकाले इसके घटक के मोलों की संख्या, और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी एन ए प्लस एन बी, इस तरह से निकालेंगे। अब यहां से देखिएगा भाई, ए के मोलों की संख्या चार है और कुल मोलों की एन ए प्लस एन बी, भाई ये क्या है, ये एन ए प्लस एन बी ही तो निकाला है हमने कुल घटक के, तो नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें छह निकाला है, तो दो दुना चार, दो तिया छह, आंसर दो बटे तीन, यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना। काटना चाहते हैं जीरो दशमलव, कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे बच्चों, तीन छंग अठारह, यानी जीरो दशमलव छह छह छह, ऐसे चलता चला जाएगा। इसी तरह अब हम क्या निकाल देंगे ठीक, अब इसमें निकालेंगे वही चीज, बी के मतलब यहां पे, हाँ बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज या मोल अंश निकालेंगे ठीक, मोल अंश लिखिए या मोल प्रभाज, प्रभाज लिखे हैं तो प्रभाज ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना, मोल प्रभाज। इसमें वही चीज करेंगे भाई, हमने बताया इसको भी एक्स बी से ठीक ऐसे दर्शाते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, बी के मोलों की संख्या और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी एन ए प्लस एन बी ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देते हैं ठीक, एन बी यानी बी के मोल अंश क्या है, दो है, और नीचे कुल घटक के मूल अंश कितना है, छह है, तो भाई इसको दो तिहाई छह, एक बटे तीन, तो इसका जो आंसर आ गया एक बटे तीन आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, जीरो दशमलव तीन तीन ठीक, काट के लिख दीजिए या फिर ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आपका मोल अंश या मोल प्रभाज निकाला जाता है भाई। कभी कभार दो के बजाय तीन घटक दे देते हैं, अरे तीन दे दे या चार दे दे, हमें काहे का दिक्कत, हम क्या करेंगे उसका पोस्टमार्टम आसानी से कर देंगे, भले ही कितना लंबा हो। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा थोड़ा लेकर के चलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब भाई प्रेशर माइंड पर लेने से कोई मतलब है नहीं, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हिम्मत नहीं पड़ रही कि आगे देख लें, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, और हाँ वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने प्यारे रसगुल्लों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि चैनल भाई क्या है, बढ़िया तरीके से आपकी कृपा से चलता रहे ठीक। तो चलिए बच्चों, आगे जो हमने बताया ना कि इनको कई पार्ट में देख लेंगे, जो अभी परसेंटेज वाला बोला ना उसको कल देख लेंगे, जो डिफिकल्ट तरीके से आते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, मक्खन तरीके से पढ़ते चलेंगे। तो बस लव यू, बाय बाय, टेक केयर।